हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट टू का ही कुछ और मेथड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूनिट टू में जितने भी टॉपिक दिया हुआ है सारा कुछ मेथड पर ही बेस्ड है। एक मेथड हमने इसके पहले वाले वीडियो में डाला था, ये दूसरा मेथड है। इस मेथड का नाम है डिमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। डिमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड, ये नाम से पता चलता है कि इसमें दो तरह का मेथड इन्वॉल्व है। डेमोंस्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, और डिस्कशन हो गया चर्चा करना। ठीक है, रोलिंग हो रहा है। तो डेमोंस्ट्रेशन एंड डिस्कशन मेथड इज नॉट अ सिंगल मेथड, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू मेथड। इस तरह से एक अकेला मेथड नहीं है, इसमें दो मेथड का कम्बिनेशन डाला हुआ है। दिस मेथड इन्वॉल्व द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट एट द सेम टाइम। इस मेथड के अंदर हम लोग टीचर और स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी हो, और भी एक ही टाइम में, यानी दोनों मिलके इस मेथड को कंप्लीट करते हैं। डेमोंस्ट्रेशन एंड डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग साइंस इनकरेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग स्टूडेंट देन अदर मेथड। डेमोंस्ट्रेशन और डिस्कशन मेथड क्या है, इसके अंदर साइंस रिलेटेड उनको इनकरेज कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग स्टूडेंट देन अदर मेथड। दूसरे मेथड के अलावा मैक्सिमम स्टूडेंट को इनकरेज करके पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली इन साइंस। यानी कि डेमोंस्ट्रेशन एंड डिस्कशन मेथड ऐसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन दिस मेथड ग्रुप पार्टिसिपेशन डेवलप्स एंड ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप्स विच इज नॉट पॉसिबल आइदर इन अदर मेथड। दूसरे मेथड में ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट और टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक तरह से ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में भी जानते हैं, उनमें उनका डेवलपमेंट होता है और ऑब्जर्वेशन पावर का डेवलपमेंट होता है। ऑब्जर्वेशन पावर यानी कि वो जितनी तरह से ऑब्जर्व कर सके, यानी कि उनको जो डेमोंस्ट्रेशन के तौर पर दिखाया जा रहा है वो क्या क्या दिखाया, तो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी उनमें बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। सो दिस मेथड ओबे द रूल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये आपको बार बार ये कोटेशन आएगा कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो कुछ भी सीख रहे हैं वो करके सीख रहे हैं या पार्टिसिपेट करके सीख रहे हैं। ठीक है, तो दिस मेथड स्पेशली कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। द नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुलनेस और डेमोंस्ट्रेशन मेथड। डेमोंस्ट्रेशन मेथड क्या है और उसका यूज क्या है, यानी कि वो हम लोग क्यों करते हैं। स्पेशली इन साइंस हम लोग डेमोंस्ट्रेशन मेथड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। डेमोंस्ट्रेशन मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट मेथड ऑफ द टीचिंग। ये तो हम लोग का जान रहे हैं कि डेमोंस्ट्रेशन मेथड एक परफेक्ट मेथड है टीचिंग का। ठीक है, क्या क्यों 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 इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पॉइंट वाइज डील कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। एज द टीचर डेमोंस्ट्रेशन इट बिकम्स मोर इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। मतलब इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है और वो इफेक्टिव होता है। एज द टीचर डेमोंस्ट्रेशन इट बिकम मोर इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। ये बहुत इजी होता है एंड इससे समय बचता है। यानी कि डेमोंस्ट्रेशन करके हम उतने सारे बच्चों को एक ग्रुप में डालकर और इस चीज को हम लोग दिखा के किसी टॉपिक को हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। उसी का नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड सो द स्टूडेंट क्लियरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द लेसन ड्यूरिंग दिस मेथड। इसमें कहना ये चाह रहा है कि टीचर कंसेप्ट कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंट के तौर पे इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी इजीली और क्लियरली। यानी कि जो भी टीचर्स इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं डेमोंस्ट्रेशन करते हुए एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो बच्चे उसको बहुत इजी वे में बहुत क्लियरली वो समझ पा रहे हैं, यानी कि उस कंसेप्ट को बहुत इजी वे में समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द डेमोंस्ट्रेशन द डॉट्स ऑफ द स्टूडेंट आर क्लियरली बाय द टीचर देन एंड देयर। इस मेथड के दौरान स्टूडेंट को जो भी डॉट्स हो रहे हैं
वो उसी समय क्लियर हो जाते हैं ड्यूरिंग द क्लासेस, मतलब टीचर्स का उसी समय क्वेश्चन पूछकर उसका आंसर क्लियर करके हम लोग अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं डिमोस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस मेथड। तो ये हमारे लिए यूजफुल है। ड्यूरिंग द डिमोस्ट्रेशन द स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉलोइंग, मतलब डिमोस्ट्रेशन के समय, डिमोस्ट्रेशन जिसमें दिखा के हम किसी चीज को क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके उसको क्लियर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को काफी कुछ मिलता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है, नोट्स मेकिंग यानी वो आराम से इजी वे में नोट्स बना सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एट अ टाइम वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं जिसे उनको आंसर उसी समय मिल जाता है, उससे रिलेटेड वो ड्राइंग या स्केचेस या उस टॉपिक के अनुसार वो भी कर सकते हैं। एंड इन्वॉल्विंग इन द एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट वे में उनको डील किया जा रहा है, डिमोस्ट्रेट किया जा रहा है, तो वो एक तरह से इन्वॉल्व भी हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट के समय, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वो रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोमोट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट टू यूजफुल लर्निंग। ये मेथड एक तरह से स्टूडेंट को प्रोमोट भी कर रहा है इंटरेस्ट के लिए और अटेंशन के लिए, यानी कि ये मेथड दो चीज से बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट को, ये अटेंशन उनका ला रहा है कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, और इंटरेस्ट भी डेवलप कर रहा है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और इंटरेस्ट इन द साइंस सब्जेक्ट। सो ये यूजफुल देन द स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। किसी भी मेथड का, मेथोलॉजी जितने भी साइंस का मेथोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे कि इसमें एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या आता है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज इकोनॉमिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी एंड टाइम। इकोनॉमिक, तो ये मेथड क्या है, इकोनॉमिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ मनी एंड टाइम, यानी कि पैसे की बचत और समय की बचत हो जाती है। इस मेथड के अनुसार हम लोग कम समय में, कम पैसे में इस मेथड को हम लोग समझा सकते हैं या अपने मेथोलॉजी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेथड ओबे द रूल ऑफ द लर्निंग बाय डूइंग। ये हम लोग पहले भी डिस्कशन किए हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब वही होता है कि करके सीखना, ये मेथड उस चीज को बहुत फॉलो कर रहा है। सो दिस मेथड इज वेरी मच साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिक मीन्स मनोवैज्ञानिक, यानी ये चीज आपके मन पे इतनी अच्छी तरह से छप जाता है, मन की स्थिति को समझता है और आप भी समझते हैं कि मेथड को ओबे करने के बाद आपके साइकोलॉजिकली इफेक्ट कितना स्ट्रांग होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज यूजफुल व्हेन द एपरेटस रिक्वायर फॉर पार्टिकल वर्क इज कॉस्टली, प्रैक्टिकल वर्क इज कॉस्टली। ये उस समय भी यूजफुल होता है क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड एपरेटर्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं, कुछ उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो बहुत कॉस्टली होता है, सारे स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती। सो देयर द टीचर कैन इम्प्रोवाइज द एपरेटर्स एंड डेमोस्ट्रेट इट। इसीलिए टीचर है कि थोड़ा सा ही एपरेटर्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं और उसके बारे में डिमोस्ट्रेट करते हैं, यानी कि थोड़े से चीज में ही स्टूडेंट को वो सारा कुछ मिल जाता है इस मेथड के थ्रू जो वो चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू दिस मेथड फ्री डिसिप्लिन इज मेंटेन। अब इस मेथड के थ्रू फ्री डिसिप्लिन इज मेंटेन। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस मेथड, जैसे ही हम मेथड स्टार्ट करेंगे क्लास में, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कि हमको उसमें बहुत ज्यादा वर्डन नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेथड दिस मेथड डेवलप्स स्किल इन फ्री थिंकिंग एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट अमंग स्टूडेंट। ये मेथड एक तरह से डेवलप, स्किल डेवलप करवा रहा है
क्या क्या चीज का? फ्री थिंकिंग यानी कि सोचने का तरीका फ्री हो, और कोऑपरेटिव स्पिरिट, स्पिरिट अमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच कोऑपरेटिव का स्पिरिट और फ्री थिंकिंग का स्पिरिट डेवलप करते हैं। ये सारा कुछ एडवांटेज में आता है। ऐसे मैंने 5 पॉइंट बताया है, जब आप लोग पढ़ेंगे तो और भी पॉइंट आप लोग को मिल सकते हैं, तो देन आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, अब कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेंगे। जहाँ एडवांटेज है वहाँ भी सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड के बारे में बात हो रही है। इसका पहला पॉइंट है, इन दिस मेथड ऑल स्टूडेंट डू नॉट गेट अ चांस टू टेक पार्ट आइदर इन डिस्कशन और इन एक्सपेरिमेंटेशन। एक तरह से ये ऐसा मेथड है जिसमें सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, उनको चांस नहीं मिल सकता है या तो डिस्कशन में या एक्सपेरिमेंटेशन में, क्योंकि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और टाइम कम होता है, तो सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। और दस द प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग इज नॉट ओबे, तब उस जगह पे हमारा वो प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग उतने फुलफिल नहीं हो पा जाता है, यानी कि ओबे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टूडेंट डू नॉट गेट डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट। इसमें स्टूडेंट का ये भी लैक हो जा रहा है कि वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाते हैं। उनको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है कि ये ऐसे ऐसे होगा, बट डायरेक्टली वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते, यानी खुद से वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाते हैं। ये सारा डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट, इफ द टीचर डज नॉट टेक केयर स्टूडेंट बिकम इनडिसिप्लिन थ्रू दिस मेथड। क्योंकि क्लास स्टूडेंट बहुत भरे होते हैं और उनको संभालने के लिए टीचर अकेले होते हैं। अगर टीचर ठीक से केयर नहीं कर सके ड्यूरिंग द क्लास ड्यूरिंग दिस मेथड, तो क्लास बिकम इनडिसिप्लिन, तो सारे क्लास इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। कुछ बच्चे शोर करने लगे क्योंकि सारे लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेथड में सबसे बड़ा डिमेरिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट कैन फेस वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। स्टूडेंट बहुत सारे प्रॉब्लम जो फेस हो रहा है जब गैदरिंग करके हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे को दिखाई नहीं दे पा रहा है, बहुत लोगों को सुनाई नहीं, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है, या सारे बच्चे एक जैसे होते नहीं है कि जो आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम काफी फेस करते हैं स्पेशली स्टूडेंट। देन फिफ्थ नंबर इज, लेवल ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज फाउंड टू बी डिफरेंट इन द सेम क्लास, सो सम स्टूडेंट गेट डोमिनेटेड ड्यूरिंग दिस मेथड। इस मेथड के अनुसार, क्योंकि पूरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका मेंटल कैपेबिलिटी सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है एक क्लास में। सो मेंटल एबिलिटी के अनुसार जो बच्चे का मेंटल एबिलिटी हाई रहता है वही ये समझ पाता है, बहुत इजी वे में वो उस चीज को समझ लेता है, यानी कि उस पर काम कर लेता है। बट जो बच्चे का मेंटल कैपेबिलिटी इतनी तेज नहीं होती है कि एक क्लास में ही वो सारा कुछ, सारा कंसेप्ट, सारा प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो समझ पाता है, ये नहीं होता है। तो वैसे स्थिति में क्या होती है, कुछ स्टूडेंट डोमिनेट हो जाते हैं, यानी कि वो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं, और उनको लगता है कि जो तेज है वही बोल पा रहा है, जो तेज नहीं है तो अपने आप को ये फील डालते हैं कि नहीं, मेरे लिए ये मेथड ठीक नहीं है। सो सारा मेथड होने के बाद फाइनली हम लोग यही निकालते हैं कि इस मेथड के अनुसार हम लोग क्या क्या पाते हैं। नोट के तौर पे तो विजिबिलिटी, किसी चीज को लोग डेमोन्स्ट्रेशन देकर समझा रहे हैं तो विजिबिलिटी, यानी कि उस चीज को बहुत इजी वे में देख पाते हैं, जो बुक में कभी देखे हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन देकर वो उस चीज को देख ले, यानी कि विजिबल हो जाता है, वो दिखाई दे रहा है और हम लोग समझ सकते हैं अच्छा ये चीज इस तरह से दिखता है। सेकंड पॉइंट है क्लियर कट, जो भी हम लोग समझ रहे हैं, जो भी समझाया जा रहा है वो एकदम क्लियर कट होता है ऑन द स्पॉट, यानी क्लास में जिस चीज के बारे में बोलते हैं वो ग्रुप बहुत ही क्लियर कट वे में समझाया जाता है। थर्ड पॉइंट है वन मेजर आइडिया एट अ टाइम, एक समय में एक आइडिया बृहत रूप से समझाया जा रहा है मेजोरिटी के तौर पे, यानी कि एक आइडिया को एक समय में बहुत बृहत को बहुत फैला के उस चीज को समझा सकते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और इलेवेंथ
क्वेश्चंस, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन भी निकल के आता है। जैसे बच्चे के मन में जो क्वेश्चन होता है, अगर टाइम सेम टाइम जो भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, टू द टॉपिक, बियॉन्ड द टॉपिक, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें से निकालते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी निकलते हैं और उसके आंसर भी एट अ टाइम हम लोग दे सकते हैं। तो एक तरह से ये बेस्ट मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन। जब आप सिर्फ डिस्कशन करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बेटर होगा कि ये मेथड को यूज करके डेमोन्स्ट्रेशन करके बच्चे के बीच डिस्कशन करें, ताकि बच्चे और स्टूडेंट के बीच एक रिलेशन बने और जहां भी प्रॉब्लम हो एट अ टाइम उसी समय उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और ये मेथड आप लोग को उस समय काम देगा जब आप लोग लेसन प्लान बनाएंगे या फिर जब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए बाहर जाएंगे, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड बहुत पावरफुल होगा। तो आपका ये एक और मेथड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीट होता है। इस तरह से इस यूनिट टू में जितने भी और हम डील करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, सारा मेथोलॉजी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अलग कुछ और मेथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अभी तक बस इतना ही। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।